देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर लगी रोक फिर से बढ़ा दी गई है। 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर लगी रोक को फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार यानी 27 जुलाई शाम 3:30 बजे फिर से सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई शाम 4:30 बजे तक रोक लगाने का आदेश दिया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसआई के वैज्ञानिक को भी तलब किया था। दरअसल कोर्ट ये जानना चाह रहा था कि आखिर सर्वे होगा कैसे। एएसआई के वैज्ञानिक ने कोर्ट को बताया कि जीपीआर विधि और फोटोग्राफी विधि से सर्वेक्षण होगा। वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। अनुमति मिली तो 31 जुलाई तक सर्वे पूरा हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए। और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया। अभी एसआई का सर्वे नहीं होगा कल तक। कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और कल फिर इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। दरअसल एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि जो भी काम करेंगे उससे नुकसान नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुनवाई शुरू की थी। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार की तारीख तय की है। माना जा रहा है कि गुरुवार को सर्वे के मामले में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के बाद आगरा पहुंचे जहां उन्होंने मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी 2024 में 6 किलोमीटर ट्रैक मेट्रो शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे आगरा के निवासियों और पर्यटकों को सुविधा होगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि यूपीएमआरसी अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले इस लक्ष्य को पूरा हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम अगस्त 2024 के लिए चिन्हित है और यूपीएमआरसी की टीम फरवरी 2024 तक परियोजना को पूरा करने की योजना बना रही है। फरवरी 2024 तक आगरा के लोगों के लिए मेट्रो सेवाएं चालू हो जाएंगी। आगरा के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो नित नई परियोजनाएं आ रही हैं, मेट्रो उनमें से एक है। पूर्वी गेट से लेकर के मनकामेश्वर मंदिर तक 6 किलोमीटर के इस कार्य को 6 माह पूर्व यानी जिसे अगस्त 2024 में पूरा होना था, अब फरवरी 2024 में पूरा करने के लक्ष्य के साथ पहले एलिवेटेड 3 स्टेशन आगरा मेट्रो के बनकर के तैयार हो चुके हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा वासियों को प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुरूप समय के पहले आगरा मेट्रो का काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन सुविधा आगरा वासियों को और आगरा आने वाले सभी टूरिस्टों को उपलब्ध होगा। आगरा में आगरा वासियों को फरवरी 2024 से मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचे और उनके समक्ष हाई स्पीड ट्रायल आज किया गया मेट्रो का। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, मेट्रो ट्रेन है और कुछ ही देर पहले इसका
हाई स्पीड ट्रायल किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा में 2024 फरवरी में ये मेट्रो की सौगात आगरा वासियों को मिलने जा रही है और इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। आज सुबह के मुख्यमंत्री आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उसके बाद विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की और शाम को आगरा के मेट्रो स्टेशन पहुंचकर इस मेट्रो का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद हाई स्पीड ट्रायल किया गया। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा वृंदावन के दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को हवाई सर्वेक्षण उसका किया और हालात का जायजा लिया। वहीं इसके बाद सीएम वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी धाम पहुंचे और बांके बिहारी के दर्शन पूजन किया और प्रदेश की उन्नति प्रगति की प्रार्थना की। तो दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर बांके बिहारी मंदिर की है, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा का सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा के मॉनसून सत्र शुरू होने पर सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी में है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधान भवन को पूरी तरह से सजाने का काम चल रहा है। सभी सदस्यों की फोटो गैलरी भी लगाई जा रही है। इसके अलावा सदन की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस भी होगी। मायावती ने गोरखपुर की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। यूपी में आपराधिक तत्वों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक और नमूना आज गोरखपुर के चिल्लू पार्षद के रुदौली में देखने को मिला, जब अवैध खनन करने वाले गिरोह ने दलित परिवार पर हमला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी और अन्य कई लोगों को घायल कर दिया। यह अति दुखद और अति निंदनीय है। यूपी सरकार घटना का तुरंत संज्ञान लेकर सभी नामजद लोगों के खिलाफ तत्काल उचित धाराओं में सख्त एक्शन लेने के साथ ही अपराध नियंत्रण व इस प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक अपराधों और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों पर अंकुश लग सके। बीएसपी की यही मांग है। यह ट्वीट बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया है। मणिपुर हिंसा पर सहारनपुर से बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जो मणिपुर में हो रहा है, उससे ज्यादा अफसोसनाक कोई और घटना हो ही नहीं सकती। शायद हिंदुस्तान की तारीख में आजादी के बाद इतनी दर्दनाक घटना हो जितनी ये मणिपुर में हो। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए और बयान दें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मोदी जी के जहन में इसकी कोई अहमियत नहीं है। छोटी छोटी बात पर वो अपना बयान देते हैं, लेकिन इस पर वो बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण आज गाजीपुर के दौरे पर थे। यहां जलसा गार्डन में उन्होंने अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि बीजेपी का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ये तभी संभव है जब इसमें सबकी सहभागिता हो। आज जनपद गाजीपुर में सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार जो भी बहन भाई एक कदम पीछे छूट रहे हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, इसके ऊपर विचार मंथन हुआ। अमृत काल में किस प्रकार समाज में सहभागिता आगे बढ़ेगी, इसके ऊपर विचार मंथन हुआ और जो योजनाएं मोदी जी ने, योगी जी ने हमको दी हैं, उनको सब तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी योजना बनी। हमारे युवाओं ने इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया, उनकी हम सूची बना रहे हैं। ऐसे बच्चे जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो कौशल विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि जो योजनाएं हम लेकर के आए हैं वो सही पात्र तक पहुंचे, उसमें किसी प्रकार का कोई वेस्टेज ना हो, कोई नुकसान ना हो और ना ही कोई हमारे टारगेट छूट जाए। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको सही लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत जरूरी है।
यूसीसी को लेकर सियासी हलचलों के बीच कई धार्मिक संगठनों ने मिलकर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने यूसीसी का विरोध तो किया ही, साथ ही सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। वहीं यूपी में कुछ दिन पहले हुए पसमांदा समाज के सम्मेलन में समाज के नेता सरकार के साथ खड़े दिखे। इसके अलावा बीजेपी गुरुवार से पसमांदा स्नेह यात्रा भी शुरू करने वाली है। यूसीसी को लेकर गफलत, धार्मिक संगठनों के सवाल, आरक्षण व्यवस्था पर निशाना, कानून सिर्फ और सिर्फ बहाना। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये लोग यहाँ यूसीसी का विरोध करने जुटे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलित और आदिवासी नेताओं ने इस दौरान यूसीसी का विरोध तो किया ही, इसके अलावा सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा गया इससे राज्यों के अधिकारों पर असर पड़ेगा। जो हमारा फेडरल ढांचा है, जिसमें राज्यों का, सूबाओं का जो अधिकार है, सरकार उसको छीनना चाहती है हर कदम पर, उसको कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और कभी इस तरीके के प्रावधान लाकर जो मसला कॉन्करेंट लिस्ट में है वो यूनियन लिस्ट में लाकर वो ये कदम उठाना चाहती है। सो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है संविधान का, उसके लिए भी खतरा है। इसके अलावा सरकार को धार्मिक और सांस्कृतिक दखलंदाजी न करने की हिदायत दी गई। सबने मिलकर सरकार को एक मता भेजा है, एक आवाज बुलंद की है कि भारत सरकार को किसी भी ग्रुप के, किसी भी समूह के, किसी भी धार्मिक अकलियत के, रिलीजियस माइनॉरिटीज के, दलित्स के, आदिवासियों के, इंडिजिनस पीपल्स के, जो रवायती कानून हैं, कस्टमरी लॉज हैं और जो उनकी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार को इससे दूर रहना चाहिए। वही आरक्षण व्यवस्था को लेकर कहा गया कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। रिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये कहा जाएगा कि जब सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनन सभी समान घोषित किए गए हैं देश के कानून के तहत, तो फिर ये रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? और ये मामला लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट और कई जगह ये चला जाएगा इसके आधार पर। ये आशंकाएं SC ST OBC के लोगों के मन में है और ये आशंकाएं निर्मूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का बैकिंग RSS करने वाले जो लोग हैं वो इसके विरोध में है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथ लिया गया। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो साझा न्यायिक प्रणाली ये बनाना चाहते हैं, ये संविधान में जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं उसके खिलाफ है। जो धारा 371 शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो प्रावधान हैं उसके भी टोटल खिलाफ है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दिए गए हैं उसके लिए थ्रेट है, खिलाफ ही नहीं है बल्कि एक खतरा है। जो हमारी धार्मिक और सभ्याचारक डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। हमारी जो धार्मिक एक अलग होंद है उसके लिए भी खतरा है। और SC ST और OBC के मामले में सरकार बाजा तो ये बजा रही है कि वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेगी, दरअसल वो इनके लिए जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करना चाहती है। 23 जुलाई को यूपी में पसमांदा समाज का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें समाज के नेता यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े दिखे। इसके अलावा बीजेपी शुरू करेगी पसमांदा स्नेह यात्रा। गुरुवार से शुरू होगी पसमांदा स्नेह यात्रा। गाजियाबाद से निकलेगी स्नेह यात्रा, यूपी के मुस्लिम बाहुल इलाकों से गुजरेगी। पसमांदा दशकों से नौकरी और सरकारी सिस्टम में ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की वकालत करते हैं। राजनीतिक दलों ने उनकी इस मंशा को भांप लिया और बीजेपी ने अब पसमांदा को राजनीतिक तौर पर लुभाने की तैयारी कर ली।
इस बीच धार्मिक संगठनों की यूसीसी को लेकर जो हिदायत सामने आई वो बीजेपी की समस्याओं को जरूर बढ़ाने वाली है। टीम न्यूज स्टेट। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। मामला विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया से जुड़ा है। योगी अखिलेश में ट्विटर वॉर, इंडिया को लेकर मचा शोर। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ट्विटर वॉर चल पड़ी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर हो रहा शोर अब ट्विटर पर भी सुनाई पड़ रहा है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया का नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा कि जो लोग आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर रहे थे वो अब धोते प्रवचन कर रहे हैं। अपने नाम में उपाधि लगा लेने से या चोगा धारण कर लेने से मूल स्वरूप नहीं छुपता। राजनीति को बंटवारे के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले विभाजनकारी अब अपने दिन गिने। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य है। पिछले हफ्ते 26 विपक्षी दलों ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए एक मोर्चा बनाया है जिसे इंडिया नाम दिया गया है। और अब इस इंडिया नाम पर देश और राज्य की सियासत खूब गर्म है। टीम न्यूज स्टेट। फैजाबाद के मोदी नगर में एक युवक के बीमार बेटे के इलाज और पैसे देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच करके धर्म परिवर्तन कराने वाले हापुड़ के रहने वाले पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की दूसरी आरोपी उसकी पत्नी अभी फरार है जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। हिंदू धर्म के लोगों को पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहा यह गैंग चलाया जा रहा था और आरोपी को लगातार देश के अन्य राज्यों के साथ ही विदेश से भी पैसे मिलने की बात सामने आई है और पुलिस इस मामले की और ज्यादा गंभीरता से जांच कर रही है। यहां से प्रकाश में आया है कि रोहित के घर हापुड़ से एक महेंद्र नाम का व्यक्ति आया था। वो उसके साथ अन्य 4-5 लोग थे जो कि वहां पे आसपास के लोगों को इकट्ठा करके वहां पे ईसाई धर्म के बारे में बता रहे थे और धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे। जब अब महेंद्र जो है इसके बारे में विस्तृत जांच की गई तो उसके कई खाते हमें बैंक डिटेल्स मिली। वर्तमान में इसके 3 खाते प्रचलित है, पूर्व में भी इसके और खाते थे जो कि यूज करके बंद कर चुका है। सभी खातों की डिटेल प्राप्त की गई, इससे पूछताछ की गई। 21 के आसपास इसको बाहर से भी पैसे प्राप्त हुए हैं जो कि मतलब इंडिया से बाहर से पैसे प्राप्त हुए हैं। यूपी में इन दिनों माफियाओं की शामत आई है। पुलिस के एक्शन से डरकर माफिया सरेंडर करने को मजबूर है। सीतापुर में गैंगस्टर माफिया मुजीब अहमद ने भाई के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गैंगस्टर मुजीब पर हत्या, लूट, रंगदारी, सरकारी जमीन पर कब्जा सहित 25 मामले दर्ज हैं। दोनों गैंगस्टर मामले में कई दिनों से फरार चल रहे थे। गैंगस्टर मुजीब अहमद अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम का भी करीबी बताया जाता है। पिछले दो साल में इसकी करीब 100 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। एक गैंगस्टर के मुकदमे की जो न्यायालय में विचारण चल रहा था उसी को पुलिस द्वारा लगातार पैरवी की जा रही थी और उसी मुकदमे में एक अभियुक्त मुजीब अहमद और उसका एक और साथी, ऐसे दो लोगों को जेल भेजा गया है जिसमें कोर्ट में जो ट्रायल है वो चल रहा है। ट्रायल में हम लोग समय समय पर सभी गवाहों को प्रस्तुत कर रहे हैं।
रायबरेली एम्स में आज से 20 बेड की इमरजेंसी सेवा के साथ ही बच्चों के लिए गहन चिकित्सा यूनिट की शुरुआत की गई। आज से शुरू हुई इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 64,000 करोड़ का बजट खर्च करने का काम कर रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपया का खर्च किया जा रहा है। टर्शरी केयर के लिए देश में न्यू मेडिकल कॉलेज चालू की जा रही है। देश में आज 22 एम्स का निर्माण कार्य चालू है, इसमें से 16 एम्स आज कार्यरत हो चुकी है। रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में एम्स के रूप में एक अपना स्थान बना रही है। यहाँ डेली 3,000 से अधिक ओपीडी होती है, इंडोर पेशेंट आते हैं। रायबरेली क्षेत्र के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं। आने वाले दिनों में कई फैसिलिटी, कई फैकल्टीज यहाँ चालू हो रही है, ताकि यहाँ रहने वाले, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हेल्थ के लिए सुविधा प्राप्त हो, देश में हेल्थ अफोर्डेबल हो, देश में हेल्थ एक्सेसिबल हो और सभी लोगों को स्वास्थ्य के लिए सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए रायबरेली एम्स अपनी महत्व की भूमिका अदा करे। शाहजहांपुर पुलिस का बेहद ही बेरहम चेहरा सामने आया। यहां पुलिस ने एक व्यक्ति को उसकी दुकान